शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिसे खुदा जलील करना चाहता है वो दौलत की तलाश में लग जाता है। गम से रूह में तवानाई आती है। मोमिन नेकियां करता रहता है और अल्लाह से खायब रहता है, और फाजर इंसान गुनाह करता रहता है और फिर भी अपने आप को मोमिन समझता है। जो शख्स खुदा की इताअत करता है उसे दोस्त रखो, क्योंकि सालिह शख्स को दोस्त रखना अल्लाह को दोस्त रखना है। दीनी भाई हमको बीवी बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि ये दीन के दोस्त और साथी हैं, लेकिन बीवी बच्चे दुनिया के दोस्त हैं। आदमी बेचारा ऐसे मकान और सराय पर राजी हुआ है जिसके हलाल का हिसाब देना होगा और जिसके हराम का गजाब सहना होगा। जिसने दुनिया को पहचान लिया उसने दुनिया को दुश्मन समझा। मेरे नज़दीक आकिल वो है जो दुनिया को सर्प और ख़राब करके आखिरत का सामान दुरुस्त करे। वो बेवकूफ़ है जो दुनिया बनाने के लिए अपना आकूबत का टिकाना ख़राब करे। अगर तुम देख लो कि आलिम दुनियादार अमीर लोगों से अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ तो जान लो कि वो बड़ा ही रियाकार है। जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत से लबरेज हुआ उसका दिल मुर्दा है। खौफ खुदा हर दम दिल में जागुजी होना चाहिए। गैबत का कपारा इस्तेहपार करना और जिसकी गैबत की हो उससे माफी चाहना है। जो खुद को आलिम जाने वो जाहिल है। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने सईद बिन जुमेर को 3 नसीहतें की। नंबर 1, सोहबत सुल्तान से इज्तनाब करो। नंबर 2, औरत के साथ तन्हा न रहो, ख्वाह हसन बसरी ही क्यों न हो। नंबर 3, राग रंग ऐश इशरत में कभी शिरकत मत करो, ये चीज़ बुराई की तरफ ले जाने का पेश खेमा है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आइंदा ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ मिल जाए करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।